और दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया? ये कॉलोनी का ब्रीडिंग मेरा 2 ढाई महीना हो गया अभी। तो एक चीज़ नोटिस किया मैंने, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते। उससे पहले घर भी आ गया ना, इसीलिए मैंने सोचा था मटकी वटकी जो है सब इस बार हटा देंगे। इस बार थोड़ा कुछ दिनों तक ब्रीड नहीं लेंगे, गर्मी जब तक कम ना हो जाए ब्रीड नहीं लेंगे। लेकिन भाई, मैं जब तक मटकी खोलने गया, देखा कि बहुत सारे बर्ड्स हैं ना, एक दो जोड़े में तो अंडे ले कर दिए थे। मैं खोल नहीं पाया इन लोगों को, क्योंकि अगर इतना सारा मटकी खोल देंगे तो सारे अंडे जो है ना सब खराब हो जाएगा फालतू का, इसीलिए छोड़ दिया मैंने। अभी देख लेते कुछ दिनों से इन लोगों का, थोड़ा टेक केयर कर लेंगे गर्मी में। और ये बच्चा तो अभी ये बाहर निकलते हैं ना, ये कभी कभी अंदर आ जाते हैं। देखिए, इसका होंठ का कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी ब्लैक में था ना, इसका थोड़ा सा रेड कलर में आ रहा है होंठ भी। और इसमें भी 6 अंडे दे दिए, इसीलिए मैंने मटकी वगैरह हटा नहीं पा रहा हूँ मैं। और बाकी सारे 4 मटकी में अंडे हैं, इस मटकी में भी 5 अंडे हैं। फिर भी जावा जो है ना बहुत कम खाते हैं। जावा का मेन फूड तो वो धान ही है, तो जावा तो धान खाते हैं बहुत। और सबसे ज़्यादा खाते हैं भाई बजीज। बजीज जिससे जितना खाता है भाई, उससे ज़्यादा तो वेस्ट करता है ये लोग। फिर भी मेरे पास बहुत सारा बजीज था। अभी ये 3 जो है ना, इन लोगों का थोड़ा पंख पंख नहीं आता, बच थोड़ा अभी ठीक हो रहा है ये। इसका देखिए पूंछ भी थोड़ा लंबा हो गया अभी, ये भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे। इनको मैं दे दूंगा किसी को, अगर कोई लेना चाहता है तो। और बाकी सारे, एक चीज़ लास्ट में बोले थे मैंने, वो दिखा देते हैं आपको लोगों को। रुकिए, ये देखिए, ये 2 पेयर, एक पेयर में जावा लाया था वाइट में, ठीक है ना। तो मैंने सोचा इसका बच्चा भी, जाहिर सी बात है इसका बच्चा भी सफ़ेद ही होगा, वाइट भी वाइट ही होगा। लेकिन ये देखिए, एक जो बच्चा है इसका निकला है पूरा ब्लैक में। ये देखिए, ये एक बच्चा तो पूरा ब्लैक में आया है, और बाकी 3 जो बच्चे हैं वो तो वाइट है, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक का कलर आ गया। फिर भी सही है भाई, ये कलर मैंने, मेरे को थोड़ा सा यूनिक लगा है। ब्लैक जावा देखा मैंने, वाइट भी देखा है, ब्राउन भी देखा है, लेकिन ये ब्लैक के साथ वाइट या व्हाइट के साथ ब्लैक, ये कुछ यूनिक लग रहा है मुझे। और ऐसे कलर निकलने का कारण ये भी हो सकता है कि आगे जिसने ब्रीड करवाया होगा ना, उसका ब्लैक और व्हाइट का पेयर रहा होगा। इसीलिए मैंने अभी जो मेल लाया है, उसका पंख के ऊपर एकदम छोटा सा एक काला सा दाग है बस, इसीलिए बच्चे जो है वो भी ब्लैक और व्हाइट में निकला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।